एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इस तस्वीर पर एकदम सटीक बैठ रही है। कल तक देश की रक्षा करने वाले सेना के जवान आज जमीन पर बैठे हैं और इन्हें घेर रखा है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने, जिन्होंने सूडान में इजिप्ट की सेना को बंधक बना लिया है। तस्वीरें सूडान से आई हैं, जहां मिस्र की सेना को बंधक बनाकर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने जमीन पर बैठाया है। ये तस्वीर आपको इतना बताने के लिए काफी है कि आखिर सूडान में क्या चल रहा है। तस्वीरें 15 अप्रैल की हैं, पर यही हाल सूडान का आज भी। सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जंग 15 अप्रैल से शुरू हुई थी। इस जंग से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। भारत समेत दुनिया भर के देश वहां अपने फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं और ये संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतह बुरहान और RSF के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगलो के बीच हो रहा है। पहले ये दोनों एक साथ थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच मनमुटाव हुआ और एक पूरा देश जंग की आग में झुलस गया। अब इन तस्वीरों को देखिए, जमीन पर बैठे हुए जो आपको इजिप्टी सेना के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सूडान में सूडानीज आर्म फोर्सेस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के लिए आए थे, लेकिन तभी हालात इतने बिगड़ गए कि सेना तो चली भाग और बच गई ये। इनको पैरा फोर्सेस ने पकड़ लिया और जमीन पर बैठा कर बकायदा एक वीडियो बना डाला। वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट भी किया गया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से फैला। अब इनको छुड़ाया गया है या अभी भी ये बंधक है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तस्वीरें 15 अप्रैल की हैं और 15 अप्रैल से लेकर अब तक ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूडानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लोग जो हैं वो चारों तरफ हैं और जमीन पर बैठे जो जवान आपको दिखाई दे रहे हैं वो इजिप्ट की सेना के लोग हैं, जो सूडान में जॉइंट एक्सरसाइज के लिए आए थे, लेकिन अब वो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।